सौरभ जी 55,000 पेमेंट लेकर के आए वहाँ पे 55,000 देरी का चौहान है। क्या हुआ था कल? हम सो रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे बाहर सो रहे थे, आके केवल खटखटाई, हमने बोला कौन है, नहीं बताया, मैं कि फिर बोला मैं कि कौन है, तब तक मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैं कि कौन है, तब भी नहीं बताया, मैंने कि बाहर के कोई बच्चे होंगे, आलू आलू का काम चल रहा है, मैं कि शायद वो होंगे, तो मैंने केवल खोली तो उन्होंने मेरे ऊपर पिस्टल रख दी, मैं देख के रोने लगी, मैं पूछा कि ये कौन है, मैं कि मेरे हस्बैंड है, तो उनके ऊपर भी रिवॉल्वर रख दी और मैं बाहर हाथ पकड़ के रिवॉल्वर रख के बाहर निकल आए कि और कहाँ है, मैं कि और तो सब बुआ खाने गए हैं, हमने तो जाना कि कोई चोटे वोटे आ गए हैं, पता नहीं क्या हुआ, हमने तो कभी देखा नहीं, नहीं हमारे घर हुआ है ना कभी हुआ, तो उन्होंने आके पूछा कि और कहाँ सो रहे हैं, मैं कि एक लड़का यहाँ सो रहा है, तो उसकी किवाड़ खटखटाई, कुछ बोले कि किवाड़ तोड़ दो, मैं कि किवाड़ मत तोड़ो, हम अपने बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं, इतने में बाहर बच्चा निकल आया, दूसरा कोई लड़का साथ आया था, उसने बोला कि एकाएक इसी में सो रहा होगा, तो वो बच्चा लड़का बाहर निकल के आया, उसको ये भी नहीं पता था कि नाम क्या है उसका, तो हमने कही कि ये कौन है, उसने पूछा कि ये कौन है, तब उसको भी नहीं पता था कि ये कौन है कौन नहीं है, तो मैंने कि इसका नाम सौरभ है, कि हाँ वो असाध में आया था, उन्होंने बताया कि हाँ इसका नाम सौरभ है, उसने पूछा कि तू इसको जानता है, उसने तो बोल दिया कि हाँ मैं जानता हूँ, पर उस लड़के ने जो हमारे यहाँ से भतीजा ले गए, उसने बताया कि मैं नहीं इसे जानता हूँ, इतने में बाहर ले गए उन्हें, उनमें मार लगाई, फिर बोले कि क्या जेवर क्या रखा है, पैसे वैसे क्या है, क्या यहाँ तो कुछ नहीं है, मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, तो कहे ताले को तोड़ दो, ताले तोड़ दिए, गोदरेज वगैरह के तोड़ दिए और सारा सामान निकाल के ले गए, जेवर भी और पैसे भी, सारी चीज निकाल के ले गए। की थी मैंने 100 नंबर पे तुरंत ही कॉल की थी, मगर वहाँ से ऑर्डर कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। हाँ मेरे हस्बैंड गए थे थाने में और पता नहीं अभी तक वहाँ से आए नहीं है, उन्होंने थाने में भी उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ कोई सूचना नहीं है। तो जो लोग आए थे कितने थे? कम से कम 5 गाड़ी थी और पता नहीं कम से कम 30-35 आदमी थे, दो तीन पुलिस वाले थे और सारा सिविल वर्दी में आए थे। नहीं उन्होंने कुछ नहीं बताया, यह भी नहीं बताया कि हम आए हैं किसी केस में आए हैं या कोई, हमने पूछा भी था कि क्या बात है भाई हमें तो बता दो, उन्होंने बोला था कि पागल कुत्ते ने खा रखा है, सो हमें यहाँ रात के 2 बजे आए। पिस्टल भी तो नहीं थी? हाँ पिस्टल मेरे ऊपर रखी थी, मैं तो वो पेटीकोट ब्लाउज में थी, मुझे तो उन्होंने धोती भी नहीं पहनने दी या चादर भी नहीं अपने सिर पे डालने दी और ऐसी बाहर निकाल आए। कितने पैसे ले गए? 1,15,000 रुपए ले गए हैं। हाँ पेमेंट अभी देरी का काम होता है, पेमेंट आया था और कल हमारी ननद आई है, वो भी वहाँ से पैसे लेके आई थी। क्या नाम है आपका? गुड्डी। जो कल ये वारदात हुई थी उसमें क्या मतलब गया था? सामान? क्या क्या सामान दिया था? सामान 2 कॉलर, 4 अंगूठी और 4 चूड़ी, 4 चूड़ी और ब्रज वाला और 3 जोड़ी तोड़िया। मैं नहीं थी यहाँ पे, मैं चली गई थी, बच्चे थे यहाँ पे, मैं अपने गांव गई थी रात, मैं बात ही नहीं करने थी। मेरे बेटे हैं दोनों, हाँ मैं उनकी माँ हूँ, माँ बाप कोई भी नहीं था, बच्चे गए रहे हैं। जाके जाग उठा।